वाह, बहुत पुरानी बात है। एक कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसके हाथ कुछ ना लगा। वह थका मांदा एक पेड़ पर जा बैठा। अरे वाह, किस्मत हो तो ऐसी, उसे एक प्लेट में पनीर का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वो प्लेट के पास पहुंचा, उसने अपनी चोंच से उसे उठा लिया और उड़ने लगा। बहुत से कौवे उसके पीछे पीछे उड़ने लगे, वो भी पनीर को उससे छीनना चाहते थे। वो सबको चकमा देने में कामयाब हो गया और एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया। उधर ही कहीं एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। लोमड़ी ने कौवे की चोंच में फंसा पनीर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने जब ही कौवे से उसका पनीर अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई और उसने कौवे की ओर देखा और बोली, अरे कौवे भाई, तुम कितने खूबसूरत हो। मैं अपना परिचय तुम्हें दे दूं। मैं एक भोली भाली लोमड़ी हूँ। मेरी सहेलियों ने मुझे बताया है कि तुम्हारी आवाज में एक गजब की मिठास है। क्या यह बात सही है? कौवा यह सुनकर हैरान रह गया। आज तक तो किसी ने उसकी आवाज की तारीफ नहीं की थी, परंतु वह चुप रहा। कौवे भाई, अपनी मधुर आवाज में क्या तुम मेरे लिए गाना नहीं गा सकते? सुनाओ ना भैया। परंतु अभी भी वह मौन था। लोमड़ी फिर बोली, क्या तुम अपनी प्यारी बहन की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंखों का तो कहना ही क्या। मेरे लिए गाना गाओ ना कौवे भैया। कौवा उसके झांसे में आ गया। उसने अपनी चोंच खोली और लगा कांव कांव करने। अरे क्या क्या, पनीर उसकी चोंच से निकला और जमीन पर आ गया। लोमड़ी ने झट से उसे झपट लिया और खा गई। लेकिन जब तक कौवे को समझ में आता कि क्या हुआ, लोमड़ी वहां से चल दी। कौवा उदास हो गया। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तो कहते हैं चापलूसों से बचो, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए।